दोस्तों, बड़े इंतजार के बाद मिर्जापुर का ट्रेलर आ गया है। चलिए देखते हैं। निर्दोष नागरिकों की जान माल की जो हानि हुई है उसके लिए हमारा हृदय कोरोना से भर आया है। कोरोना नहीं मामा जी, करुणा। करुणा बच बच सही। चलो रे, मैक्सिको निकलना है। कॉमेडी भी है मिर्जापुर में। यही मौका है लोगों को बताने का, कालीन भैया कौन और गुड्डू पंडित कौन। मिर्जापुर में पावर हमेशा गद्दी की रही और मुकाबला दावेदारों का। खेल आज भी भैया बस मोहरे बदल गए। लोगों के बीच कालीन भैया के प्रति सिंपैथी जनरेट करनी है बस। यहाँ तो कहानी कुछ और होने वाली है। सिंपैथी महमूद प्रदेश की शुरुआत गुड्डू के अंत से होगी। ये समय वायलेंस का नहीं, कंसोलिडेशन का है। वायलेंस हमारी यूएसपी है। पूर्वांचल में जो गर्मी का हाल है, एक उंगली ट्रिगर पर रखनी पड़ती है। दूसरी उंगली कहाँ रहती है? दूसरी उंगली धोने को जाने के लिए रखी है। गुड्डू है तो गैंगस्टर ही। हमारा तो गुनाह यही है कि हम गुड्डू पंडित के बाप हैं। उन्हें किसी की जरूरत नहीं है, ना तुम्हारी ना हमारी। गुड्डू पंडित को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ये मैसेज पूरे पूर्वांचल में गूंजना चाहिए। हमको तुम चाहिए और तुमको गुड्डू और गुड्डू को पूर्वांचल। अब किसी को कुछ नहीं मिलेगा। पूछे हर सीजन गुड्डू पंडित को पुलिस वाले देखते हैं। इसमें भी लग रहा है और कुछ को पुलिस वाले नहीं पकड़ते, खाली गुड्डू पंडित को ही पकड़ते हैं। ये गद्दी, ये परंपरा बाऊ जी ने और हमने बनाई थी। हम वो करवाएंगे जो पूर्वांचल के इतिहास में आज तक नहीं। ट्रेलर देख के तो लग रहा है दोस्तों कि गुड्डू भैया को एक पागल राजा के रूप में दिखाया है, जो सत्ता का मजा चखते तो जरूर हैं, मगर उनका अंत भी लग रहा है जल्दी ही हो जाता है। और कालीन भैया की तो इसमें बड़ी ही दमदार परफॉर्मेंस लग रही है। इस बार तो वो सत्ता में भी नहीं है। इसका मतलब जब वो सत्ता में थे जैसा सोचते थे, इस बार ऐसा कुछ नहीं सोचेंगे। इस बार ऐसा करेंगे जो पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने ट्रेलर में भी कुछ ऐसा ही कहा है लास्ट में। मतलब मज़ा आने वाला है दोस्तों। या मुझे लग रहा है कि इस बार सीजन 3 में गुड्डू भैया को भी टपका दिया, वो तो देखकर पता चलेगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। फिर मिलते हैं।